हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज टू कुक। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। तो चलिए बनाते हैं मिक्स वेज। सबसे पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम ऑयल, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, लहसुन, जीरा, अदरक, पनीर, धनिया और सरसों के दाने। अब हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है। कढ़ाई गरम होने के बाद हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी अब गरम हो गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें सरसों के दाने और इन दोनों को थोड़ा ब्राउन हो जाने तक इसको पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, प्याज और टमाटर और बाकी सारी सब्जियों को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे। प्याज और टमाटर को कम से कम हमने 30 सेकंड तक भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। अब इसमें हमने नमक डालना है और इसको दोबारा मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, जो मैंने कद्दूकस कर लिया था। फिर दोबारा इसको मिक्स कर देंगे हम। अब ये पक गया तो अब हम इसमें सभी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम आलू डालेंगे, फिर शिमला मिर्च, फिर दोबारा से इसको भूनेंगे हम कम से कम 30 सेकंड तक। तो 30 सेकंड हो गए हैं, तो हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को भी हमने थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। देख सकते हैं हमने सभी सब्जियां डाल दी है। तो आप और सब्जी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोभी, बीन्स। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी भूनेंगे थोड़ी देर तक। अब इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद किचन किंग मसाला, फिर उसके बाद धनिया पाउडर, फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, और सबसे लास्ट में हमने देगी मिर्च डाला है बिल्कुल चुटकी भर, ताकि इसमें कलर आ जाए थोड़ा। अब इन सबको हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी कम से कम 40 सेकंड तक हम अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ, ताकि मसाले इन सारी सब्जियों में मिक्स हो जाए। अब हम इसे प्लेट से ढक लेंगे और इसको कम से कम हमने 15-20 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे कि सब्जी कितनी पकी है। देख सकते हैं अभी नहीं पकी है, तो इसे हम और पकाएंगे। फिर से ढक लेंगे इसको हम। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ और इसका आनंद ले सकते हैं। आई होप गाइज आपको मिक्स वेज की ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और सिंपल सिंपल रेसिपी लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।